दोस्तों अभी रोहित शर्मा और विराट कोहली को बेहतरीन टेस्ट खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए चौथे टेस्ट मुकाबले में उस्मान ख्वाजा ने शतक ठोके एक अलग ही रिकॉर्ड बना लिया है। तो वहीं रविंद्र जडेजा ने स्टीव स्मिथ को ऐसा आउट किया कि वो देखते ही रह गए और मोहम्मद शमी ने हैंडस्कम को ऐसा बॉल डाला कि उसकी विकेट के परखच्चे उड़ा के रख दिए। अगर दोस्तों भारतीय गेंदबाजों ने कैसे अपनी बॉलिंग की और इसलिए बल्लेबाज कैसे अपने बल्लेबाजी को प्रदर्शन किया कंप्लीट आपको उसकी हाईलाइट दिखाने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है इंडिया वर्सेज ऑस्ट्रेलिया के चौथा टेस्ट मुकाबला कौन जीतेगा, नीचे कमेंट में अपना राय जरूर बताइएगा। दोस्तों इंडिया वर्सेज ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जा रहे चार टेस्ट मैचों की सीरीज में जहां पहला और दूसरा मुकाबला भारत ने बड़ी आसानी से जीता था तो वहीं तीसरा मुकाबला ऑस्ट्रेलिया ने जीता था और यहीं ऑस्ट्रेलिया ने जीत के साथ डब्ल्यूटीसी के फाइनल में जगह पक्की कर ली और इंडिया को नंबर वन रैंक पर जाने का सपना भी तोड़ दिया है। अब आ रही थी चौथे टेस्ट मुकाबले की जब भारतीय टीम डब्ल्यूटीसी के फाइनल में जगह पक्की करने और सीरीज को जीतने के इरादे से उतरी थी तो वहीं ऑस्ट्रेलिया टीम सीरीज को बराबरी करने के इरादे से उतरा था। वहीं दोस्तों बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के चौथे और आखिरी मुकाबले में पिच का मिजाज बदलते ही बल्ले ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया जबकि बॉल का असर फीका पड़ गया है। पहले दिन ऑस्ट्रेलिया ने पहली पारी में 4 विकेट पर 255 रन बना लिए हैं। गुरुवार को स्टंप के बाद अपने उस्मान ख्वाजा 104 रन के साथ चौदहवां टेस्ट शतक जमा दिया है जबकि कैमरून ग्रीन भी 49 रन पर नवाज लौटे हैं। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में टॉस जीतकर बैटिंग करने उतरी कंगारू टीम की ओर से पीटर हैंडस्कम ने 17 रन, स्टीव स्मिथ 38 रन, मार्शल लाबुसन 3 रन और ट्रेविस हेड 32 रन बनाकर आउट हो गए हैं। भारत की ओर से मोहम्मद शमी ने 2 विकेट चटकाए जबकि रविंद्र जडेजा और अश्विन ने 1-1 विकेट मिला है। ऑस्ट्रेलिया टीम की शानदार शुरुआत में टॉप मिडिल ऑर्डर पर पनपी सायदारे का अहम योगदान रखा। ख्वाजा के अलावा उसका कोई भी बल्लेबाज बड़ा स्कोर नहीं कर सका लेकिन ख्वाजा ने 3 अर्धशतकीय सायदारे की। उन्होंने अपना ट्रेविस हेड के साथ 61 रन, स्टीव स्मिथ के साथ 79 रन, कैमरून ग्रीन के साथ नवाज 85 रन जोड़े। वहीं दोस्तों भारतीय गेंदबाजों की बात करें तो अहमदाबाद स्टेडियम में हरी भरी पिच और उमेश यादव और मोहम्मद शमी दोनों की अच्छी स्विंग मिल रही थी पर लाइन और लेंथ में गड़बड़ी के चलते शुरुआत में विकेट नहीं गिरा पाए। ओपनर ख्वाजा और हेड ने 61 रन की पार्टनरशिप की। लंच के पहले शुरुआती में 14 ओवर में ऑस्ट्रेलिया ने बिना विकेट गवाए 56 रन बना लिए थे। इसके बाद 14 ओवर में भारतीय गेंदबाजों ने दबाव बनाया केवल 19 रन देकर 2 विकेट गिरा लिए थे। वहीं इस टीम के सबसे बेहतरीन गेंदबाज रविंद्र जडेजा और अश्विन के पिच पर ज्यादा स्विंग न मिलने की वजह से महज 1-1 विकेट ही ले पाए हैं। वैसे दोस्तों आप सभी को क्या लगता है इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के चौथा टेस्ट मुकाबला कौन जीतेगा, नीचे कमेंट में अपना राय जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा और ऐसे मैच को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद।